लॉ कॉलेज के लिए 7,59,00,000 रुपए, 7,59,00,000 रुपए की बिल्डिंग यही इसी स्थान पर हम आज घोषणा करते हैं और एक दो महीने में हम उसे चालू भी कर देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का दतिया जिला राजस्थान के कोटा से आगे बढ़ रहा है। दतिया की पहचान अब एजुकेशन हब के रूप में बनती जा रही है, ये कहना है खुद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। नरोत्तम मिश्रा ने दतिया प्रवास के दौरान कई बड़े ऐलान किए। दरअसल रविवार को गृह मंत्री ने दतिया में लाला के ताल के पास 1,50,00,000 की लागत से बनने वाले सिटी पार्क का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दतिया में 7,59,00,000 की लागत से विधि लॉ कॉलेज भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा गृह मंत्री ने कहा कि दतिया शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के कोटा से आगे बढ़ रहा है। दतिया की पहचान अब एजुकेशन हब के रूप में बनती जा रही है। दतिया में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, वेटरनरी और फिशरीज कॉलेज के साथ साथ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि अब दतियावासी शीघ्र ही तालाब में वोटिंग कर सकेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। हम कोटा से आगे हो गए हैं शिक्षा के हब में, लेकिन कोई एक शब्दों में पिरो के उसको, जैसे भी विपिन जी कह रहे थे ना कि मेडिकल कॉलेज का काम 10 साल हो गए चलते चलते, ऐसा आया था 159 करोड़ कुल, लेकिन 10 साल में पूरा नहीं हो पाया। और हम जो वेटनरी और फिशरी को लाए हैं वो कितना करोड़ है, 350 करोड़, तो वो कितने साल चले, ये 10 साल मतलब आने वाली पीढ़ी की कल्पनाएं है ये। तो ये शिक्षा के हब को भी शाब्दिक रूप से अगर कोई ढाल सकता हो, ये एक उनके भाषण में और भी बातें आई, जैसे एक ने कोरोना के टाइम की बात कही, जैसे हमारे स्टेडियम में दतिया महोत्सव होता है, जैसे हमारा फाग महोत्सव होता है, जैसे हम भागवत सप्ताह करते हैं, अभिप्राय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला को भी कोई ना कोई अपने उसमें पिरो सकता है। उतना समय है, एक ही व्यक्ति लंबा बोले उससे कई व्यक्ति कहीं ना कहीं खप सकते हैं, तो कार्यकर्ता इसके पीछे ध्यान दें। आपको बता दें कि इसके पहले गृह मंत्री ने मिनी स्मार्ट सिटी योजना के तहत 80 लाख की लागत से बने खेड़ापति हनुमान मंदिर लाला के ताल से हाईवे सड़क मार्ग का लोकार्पण भी किया। समाचार प्लस के लिए दतिया से रजनी लिटोरिया की रिपोर्ट।